हेलो दोस्तों, एपीजे इलेक्ट्रॉनिक पर आपका फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम रिपेयर करने वाले हैं वो एक अल्ट्रा स्लिम वीडियोकॉन कंपनी की टीवी है, तो उसी को हम आज रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने से पहले, आप अगर इस चैनल पर नए हैं या पुराने जो कुछ भी हैं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। क्योंकि मैं टीवी ही नहीं, बहुत सारे बहुत बहुत कुछ रिपेयर करता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए चलते हैं आपको वीडियो की तरफ लेकर। मैं आपको टीवी का पहले मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, तो उसके लिए मुझे कैमरा उठाना पड़ेगा, तो मैं कैमरा पहले उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ में ले लेता हूँ। तो ठीक है, ये रहा मेरा मोबाइल फ़ोन। तो ये वीडियोकॉन कंपनी की अल्ट्रा स्लिम टीवी है, इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको इसका फ्रंट लुक दिखा दूं और इसमें फॉल्ट क्या है वो सब भी दिखाता हूं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, ये रहा इसका जो है कि फ्रंट लुक। तो ये देख सकते हैं वीडियोकॉन कंपनी की टीवी है, ठीक है। तो कैमरे को मैं दोबारा से रखूँगा जो है कि यहाँ स्टैंड पे, और इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और ओपन करने से पहले मैं इसमें एक बार पावर लगा के चेक कर लेता हूँ। तो ये पावर की लीड स्विच बोर्ड में मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो स्विच बल्ब जला है, तो देखते हैं क्या दिक्कत है आखिर। पावर की एलईडी जो है कि जल रही है दोस्तों, ग्रीन कलर में। मैं यहाँ बगल से जो है कि इसका ये स्विच दिया हुआ है, ऑन करने का प्रयास करता हूँ, जो है कि चैनल प्लस माइनस से ये टीवी ऑन होती है। देख सकते हैं चैनल प्लस माइनस सबसे ऊपर है, इसको भी मैंने दबा लिया है, लेकिन इसका जो है कि कोई रिस्पांस नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले ओपन करते हैं, और मेरे पास इसका रिमोट भी है, तो रिमोट से भी मैं इसको एक बार ट्राई करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको कैमरे को स्टैंड पर रख लूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये कैमरा हो गया स्टैंड पे, थोड़ा सा नीचे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, बहुत ऊंचाई पर है तो इतना ठीक है। अभी दोबारा से एडजस्ट किया जाएगा इसको। तो सबसे पहले मैं एक बार रिमोट से भी ट्राई कर लेता हूँ, तो रिमोट मेरा इधर ही कहीं पे। तो फिर दोस्तों, ये रहा मेरा वीडियोकॉन का जो है कि ये रिमोट है। ये रिमोट जो मेरे पास है, ये अक्सर सभी टीवी में लग जाता है, तो सबसे पहले मैं रिमोट को चेक कर लूँ। वैसे तो उस रिमोट सही है, लेकिन फिर भी चेक कर लूँ, तो ये सही है, ठीक है। तो ऑन करने का प्रयास, तो फिर दोस्तों बीच में कॉल आने की वजह से थोड़ा दिक्कत, कॉल जो आया था वो आपका ही मतलब यूट्यूब की तरफ से ही था। तो मैंने इसको रिमोट से भी चेक कर लिया है, तो कोई रिस्पांस नहीं है। तो चलिए मैं इसको ओपन ही करता हूँ अब। तो मैं ओपन करके पहले इसको रखता हूँ ताकि आपका समय जो है कि और ना लगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को रोक देता हूँ या फिर वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। फास्ट हो जाए अच्छी बात है, मैं नॉर्मली खोल रहा हूँ लेकिन स्पीड जो है फास्ट हो गई है। तो फिर दोस्तों, इसके सारे स्क्रू ओके ओपन हो गए हैं, अब मैं इसकी बॉडी को निकाल लेता हूँ। तो इसकी बॉडी भी ओपन हो गई है, अब जो थोड़ी बहुत गंदगी है इसको मैं सबसे पहले साफ़ कर लेता हूँ। तो साफ़ करने के लिए जो है कि मैंने मशीन ले लिया है अपना एयर ब्लोअर, तो मैं उसी से अब साफ़ करूँगा। तो ये रही मेरी मशीन, ठीक है। तो पहले मैं कैमरा सेट कर लूँ ताकि आपको दिखे भी ठीक है। तो दोस्तों ये इतना ठीक है, अब मैं इसकी गंदगी को पहले साफ़ कर लूँ। अब मशीन ली है तो मशीन का फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा।
तो फिर दोस्तों समय तो बच गया हमारा, तो चलिए चेक करते हैं आखिर इसमें फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले देख लेंगे कोई कैपेसिटर वगैरह लीकेज तो नहीं है, और ये कुछ जैक जो है निकालने पड़ेंगे, नहीं तो सर्किट हमारी बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो कुछ कैपेसिटर मैं चेक करता हूँ पहले, ऊपर से ही एक निगाह से देख लें, फूला वगैरह तो नहीं है। तो ये सब नहीं है, तो ये सब ठीक है। पावर लगाता हूँ मैं पहले दोबारा, अब सप्लाई को मेजर करेंगे हम। तो मुझे कैमरा जो है नीचे सेट करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं वीडियो बनाने में कितना दिक्कत होता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, आप आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मैं कैमरा नीचे सेट करता हूँ ताकि आपको मल्टीमीटर भी दिखाई दे हमारा। ठीक है, तो फिर दोस्तों कैमरा मैंने सेट कर लिया है, अब जो है कि पावर टीवी में लगी है और ये मल्टीमीटर रहा। ठीक है, और इसको मैं पहले ग्राउंड कर देता हूँ, इसका ब्लैक वायर, और मैं सप्लाई सबसे पहले मेन सप्लाई 110 वोल्ट की चेक करने जा रहा हूँ। ये मल्टीमीटर को मैं 200 रेंज पे रखा है डीसी में, तो ये जो है कि सप्लाई कम बन रही है हमारी 87 वोल्ट। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एक बार टीवी को बटन से स्विच से ऑन करा के, हो सकता है रिमोट इसमें मैच ना करे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ मैं चिमटी की सहायता से अपने टीवी को ऑन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सप्लाई जो है किसकी बन चुकी है 115 वोल्ट की ऑन कराने पे। अब देखते हैं क्या फिलामेंट हमारा जल रहा है। दोस्तों फिलामेंट नहीं जल रहा है, हम 180 वोल्ट की सप्लाई को नाप के चेक कर सकते हैं टीवी ऑन हुई है कि नहीं। तो 180 वोल्ट की सप्लाई ये रही हमारी, तो ये नहीं है अभी सप्लाई, मतलब टीवी ऑन नहीं हुई हमारी। तो देखते हैं ये फॉल्ट आखिर कहाँ से है। ठीक है, तो सर्किट को मैं सबसे पहले पलट लूँगा और चेक करने का प्रयास करता हूँ कहीं से कुछ फॉल्ट। तो ये थोड़ा अल्ट्रा स्लिम है, इसको बनाने में कुछ दिक्कत होती है दोस्तों। ठीक है, सारे जैक मैं निकाल लूँगा, पावर का भी मैंने निकाल लिया है, लेकिन अभी लगाना पड़ेगा फिर इसको। तो फिर ये रहा इसका सर्किट बैक साइड से, काफ़ी अच्छी सर्किट है, लंबी वाली सर्किट है इसके। यहाँ पे एक वायर, ये किस चीज़ के लिए, तो ये जम्पर किया गया है कोई रेजिस्टेंस, मैं देख लेता हूँ कहीं कुछ ड्राइव वगैरह तो नहीं है। तो फिर दोस्तों इसमें मैं दोबारा से सप्लाई लगाता हूँ, और हम अब की बार जो है कि बैक साइड से इसके मेन ट्रांजिस्टर वगैरह पे सप्लाई चेक करेंगे। तो ये इसका जैक नहीं लग पाएगा पावर का, तो हम सीरीज वाला वायर अपना यूज कर लेंगे। तो ये मेरा सीरीज वाला वायर है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पहले पावर की जैक में जोड़ लेता हूँ। तो इसको मैंने जोड़ लिया है, मैं इसको पावर में लगा दिया है। ठीक है, अब जो है कि मैं सबसे पहले आपको सप्लाई दिखा दूँ कितनी सप्लाई है यहाँ पे। तो थोड़ा सा कैमरा मैं इस तरफ ले लूँ तो दिख रहा है शायद आपको। ठीक है, तो ये सप्लाई यहाँ पे ये बन रही है। मैं दोबारा से इसको ऑन करता हूँ टीवी को स्विच से, तो ये बटन का जैक लगाने के बाद ही ऑन होगा, इसकी चैनल प्लस या माइनस से। पावर की LED जल रही है ग्रीन कलर में। तो ये ऑन हो चुका है, हम इसके मेन ट्रांजिस्टर पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये सप्लाई है,
तो दोस्तों टीवी ऑन हो गई, अचानक से टीवी कहीं से हमारी ऑन हो गई है। तो मैं अभी वीडियो कट वगैरह कुछ नहीं किया है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट हमारी टीवी ऑन हो गई है। तो ऑन होते समय एक आवाज़ आती है जिससे पता चल जाता है टीवी ऑन हो गई है। तो मैं आपको सप्लाई से चेक करा देता हूँ, टीवी ऑन है हमारी, ये देख सकते हैं 180 वोल्ट की सप्लाई हमारी ये बन चुकी है। अब ये कहाँ से फॉल्ट है दोस्तों, अचानक से टीवी ऑन हो गई, इसका मतलब कि जो है कि इसमें कहीं कुछ ड्राई है, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एसी 4 वोल्ट की सप्लाई चेक करा देता हूँ। तो मैंने एसी पे रख लिया मीटर को, और 4 वोल्ट की सप्लाई जो है कि मैं आपको चेक कराता हूँ उसके बेस पर से ही डायरेक्ट। तो ये देख सकते हैं 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमको मिल रही है, तो ठीक है ये। लेकिन हमारी टीवी अचानक से कहीं से ऑन हो गई है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा। मैं दोबारा से पावर को निकाल दिया है, अब हम फिर से ऑन करा के देखें क्या हमारी टीवी दोबारा ऑन हो, मतलब हो रही है तुरंत, कि कहीं से कुछ दिक्कत है। तो इसको 180 वोल्ट मैंने मीटर को रखा हुआ है प्रेजेंट टाइम में, तो ये कंटिन्यू अब हमारी टीवी चालू हो रही है। तो इसका मतलब कोई ट्रांजिस्टर लीकेज होगा, या तो हमारी टीवी कहीं से ड्राई है दोस्तों, मतलब ड्राई सोल्डिंग की समस्या कहीं से है इसमें। तो मैं जो है कि इसको चेक करूँगा। तो सबसे पहले इसमें आप लेंस का यूज कर सकते हैं, ताकि आप पतले पतले पॉइंट को भी देख सकें। यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं, अधिकतर ये यहीं से फॉल्ट होता है, ठीक है। इसको आप ज़रूर सोल्ड करें, या फिर ट्रांजिस्टर को ही चेंज कर दें, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ आखिर ये ड्राई वाला फॉल्ट हमारा कहाँ से है। मेरे कुछ ESD के पॉइंट भी ड्राई हैं, तो मैं इसको भी सोल्ड कर लूँगा। तो ठीक है, मैं सारे पॉइंट को अच्छी तरह से देख के सोल्ड कर लेता हूँ। मेरे पास एक लेंस है, मैं उसी से जो है कि देखता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा लेंस, जो एक ही बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है इससे, ठीक है। तो मैं इससे देख लूँगा कहाँ कुछ ड्राई है कि नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी ड्राई हैं, तो मैं पहले भी देख ले रहा हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर ड्राई है दोस्तों। तो इसी तरह से मैं देख लूँगा कहीं पे कुछ और भी ड्राई तो नहीं है। और ये ट्रांजिस्टर तो हीट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इनसे भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को सोल्ड कर लेता हूँ। तो फिर दोस्तों मैंने जो है कि अपनी निगाह से देख देख के इसको, और लेंस की सहायता से भी जो देख लिया, तो कि ड्राई मारने का मैंने प्रयास किया, मतलब ड्राई सोल्ड करने का प्रयास किया, ठीक है। तो फिर दोस्तों जो है कि ड्राई मैंने कर लिया है, अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ पावर में, और आपको मैं दिखाता हूँ फिर इसको। पहले इसके जैक वगैरह लगा लें, तो सबसे पहले मैं पावर की जैक लगा लेता हूँ, और यहाँ पे ये कुछ ये भी सॉकेट के जैक हैं, इसको लगा लें, ठीक है। ये उल्टा नहीं लगेगा, इसका आप टेंशन ना लें, और ना ही इसमें का उसमें, क्योंकि
एक में चार वायर है, एक में पांच वायर, छोटा बड़ा नहीं लग पाएगा। तो मैं लगा के पहले इसको चेक कर लेता हूँ, फिर इसको पैक करूँगा। पहले मैं आपको दिखा भी दूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। तो फिर दोस्तों मैं इसको मोड़ लेता हूँ आपकी तरफ। तो ये रहा, थोड़ा सा कैमरा जो है इतना काफ़ी है, ठीक है, हिलाना पड़ेगा फिर से। तो इसको लगा लिया है मैंने पावर में, ये रहा रिमोट। मैं इसे ऑन करने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों इस बार टीवी हमारी ऑन हो गई रिमोट से ही। तो ठीक है, ये फाल्ट देख सकते हैं कितनी आसानी से दूर हो गया, बिना मतलब किसी सामान को बदले ड्राइव से ही हमारा ये फाल्ट ओके हो चुका है। ये देख सकते हैं टीवी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। तो इसको आती है जो है कि पैक करने की प्रक्रिया। तो इस वीडियो में जो है कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप जो है कि इस फाल्ट को ड्राइव से भी हो सकता है, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं इस ट्रांजिस्टर से भी हो सकता है, क्योंकि ये अल्ट्रा स्लिम टीवी है दोस्तों। मतलब इसमें दिक्कत तो होता है ये बनाने में, और इसके फाल्ट थोड़ा लेट पकड़ में आते हैं। तो जो है कि ये फाल्ट बहुत आसानी से हमें पकड़ में आ गया, ठीक है। तो इसके स्विच को मैं नहीं चेंज करने वाला, क्योंकि स्विच जो है कि यूज नहीं किया था, बहुत कम यूज़ किया था, रिमोट से ही अक्सर सब काम करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और किसी को भेजने लायक हो तो शेयर भी कर सकते हैं आप, आपके ऊपर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।